कोरोना के चलते त्योहारों को मनाने में पाबंदियां हैं। ऐसे में उल्लास नगर कैंप क्रमांक 3 के ओटी सेक्शन परिसर में भी चालिया व्रत मनाया गया, लेकिन बड़ी सादगी के साथ पाबंदियों के कारण इस व्रत को मनाया गया। चालिया साहब के व्रत का आखिरी दिन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 नंबर के चालिया मंदिर में तकरीबन 1 लाख लोग मटकी उठाते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग प्रसाद खाकर इस व्रत को छोड़ते हैं। कोरोना काल को देखते हुए इस बार 5 नंबर में यह कार्यक्रम नहीं हो सका। हम धन्यवाद देते हैं स्थायी समिति सभापति टोनी साई जी का, जिन्होंने अपनी एरिया में यह मटकी विसर्जन का कार्यक्रम रख के जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं को जो अच्छी राहत पहुँचाई है, उसके लिए हम तय देते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। आयो लाल कयो साईं सेवा समिति का तय दिल से धन्यवाद। इन्होंने चालिया प्रेमियों के लिए यह मटकी विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा। उल्लासनगर वासियों के धर्म प्रेमियों के साईं गुलराज साहिब जी कुटिया जी संगत के टोनी साइन के चाली साहिब जी समाप्ति जी सबने के जाम जाम लख लख बधाइयों मटकी जी शुभकामनाओं हरिओम। चालिए की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चालिए का मंदिर बंद है, इसीलिए हमारे साईं जी ने टोनी साईं जी ने कुटिया में चालिया समापन रखा है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद साईं जी को। जय झूलेलाल। जी तो लाल साईं जा मेला जिते किते लगा पेन, ये चालिया साहब जो 5 नंबर जो मेलो इतने साईं के दरबार में, साईं गुलराज दरबार में, सतगुरु निर्भयराज साईं लक्ष्मण राज दरबार में मटकिन जो मेलो असर किया वो है। उत जी लॉकडाउन के करे मुझा लाल साईं उत दर बंद किया अतों तो दिन दिन चालू थी मुझे लाल जहाँ मंदिर ये मुझा दादार सभी रह बेड़ा पार थी सभी जो बेड़ो पार कह मुझे लाल साईं वेटो आयो लाल सभी चो झूले बोल चालीह वारे साहेब की बोल जोतन वारे साहेब की। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।